दोस्तों आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और फार्मूला के मेथड को आगे बढ़ाते हुए आपको किडनी से रिलेटेड एक टेस्ट है इलेक्ट्रोलाइट, इसका एक फार्मूला मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड नॉलेज आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही बहुत ही सारे पैथोलॉजी से रिलेटेड फार्मूला और उससे लेटेस्ट टेस्ट के बारे में जानकारी आप लोगों को देते रहता हूँ। तो दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्योंकि तो दोस्तों जो हम इलेक्ट्रोलाइट का जो टेस्ट करते हैं उसमें होता है सोडियम पोटेशियम और क्लोराइड। अब मान लीजिए सपोर्टेड आपके पास सोडियम और पोटेशियम हो, क्लोराइड आपको नहीं मिल रहा है, तो फिर क्लोराइड का रिजल्ट कैसे निकालेंगे? कभी कभी क्या होता है ऑटोमेटिक मशीन पे सोडियम और पोटेशियम मशीन का रीडिंग तो दे देता है, लेकिन क्लोराइड कभी कभी किसी कारणवश या पैक जो उसमें पैक्सिल जो लगा होता है उसकी वजह से नहीं दे पाता है। तो क्या फार्मूला है जिसकी वजह से हम उस रीडिंग को प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं और ये 100% करेक्ट होता है? तो दोस्तों इसके ही बारे में आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास सोडियम और पोटेशियम का अगर रीडिंग हो तो आप क्लोराइड भी इसको इस तरीके से इस मेथड से उसको प्राप्त कर सकते हो और रिपोर्टिंग कर सकते हो, सबसे बेहतर तरीका ये हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करना आप लोग अगर ना आए तो उस टेस्ट को डाल के ही रीडिंग देना चाहिए, लेकिन आपातकाल स्थिति में इस फार्मूला का आप यूज कर सकते हो और ये 99% ये फार्मूला करेक्ट साबित होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ ये फार्मूला होता क्या है। तो आप देख सकते हैं क्लोराइड निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है सोडियम प्लस पोटेशियम माइनस 38, यानी कि जो भी हमारा सोडियम और पोटेशियम हमारे पास जो लेवल है उसको प्लस करके माइनस 38 करोगे तो आपको क्लोराइड का लेवल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखने वाली एक बात है, अगर सोडियम और पोटेशियम नॉर्मल है, ये दोनों का रेंज अगर नॉर्मल है तभी ये फार्मूला यूज करना, अन्यथा मत यूज करना। क्योंकि अगर अब नॉर्मल होता है सोडियम और पोटेशियम तो आप ये फार्मूला यूज करोगे तो आपका रिपोर्ट गलत हो जाएगा। तो नॉर्मल रीडिंग पे ये फार्मूला यूज किया जाता है जिससे कि ये फार्मूला सही होता है। तो दोस्तों हमेशा ये फार्मूला याद रखना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।